है जिंदगी। ये एक बहुत बड़ा मर्ज है जो आज हमारी ख्वातीन में पैदा हो गया है कि शोहर की पतलून से पैसे गायब होते रहते हैं। बटवा वो आया, वो तो बेचारा गिनता नहीं है, रोज़ाना थोड़ी गिनेगा। वो कहीं सोते हुए में उसने अपना पर्स रखा, 100 का नोट गायब है वहाँ से, 200 का रुपये गायब है, 1000 रुपये गायब है वहाँ से। और बास तो पूरी पूरी जायदादें पी जाती हैं, मकान अपने नाम करवाया और वो जायदाद खा गई। भाई ये तो मेरा मकान है, वो शोहर ने मोहब्बत में नाम कर दिया था। तो एक दफ़ा मेरे पास एक कॉल आई, एक साहब मुझे कहने लगे मेरा 1000 गज का बंगला है, मेरी वाइफ कह रही है कि ये मेरे नाम कर दो। तो मैंने उनसे कहा आपने क्या जवाब दिया? कह रहे मैंने कहा भाई मेरा बंगला है तो मैं तुम्हारे नाम क्यों कर दूँ? तुम रहो इसमें जब तक जिंदा है रहो, और मेरे मरने के बाद तुम्हें इसमें विरासत मिलेगी, तुम्हारे बच्चों का हिस्सा निकलेगा इसमें से। तो कहती है मेरी बीवी ने कहा कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? तो कहते हैं कि मैं ये बातें सुन के फिर खामोश हो गया। मैंने कहा यार ये तो अब मैं नहीं करूँगा तो इसका मोहब्बत नहीं है। तो मुफ्ती साहब आप मशवरा दें मैं क्या करूँ? मैंने कहा अपनी बेगम से कहो कि वो जो आपकी फलां चीज़ है ना, सोना गोल्ड वोल्ड, वो मेरे नाम कर दो। और अगर वो कहे मैं क्यों कर दूँ, तो बोले क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? तो ये मोहब्बत का कौन सा उसूल और ज़ाबता है? मैंने कहा आप जिससे मोहब्बत का इजहार करते हैं तो उसको हदिया देते हैं, उससे लेते नहीं हैं। तो आप अपनी वाइफ से कहें कि बेगम तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार पहले करो और जितनी चीज़ें तुम्हारे पास है सारी मुझे दे दो। तुम ये जैसे ऐसे ही हो गया जैसे कोई आए मेरे पास मौली साहब से गले मिलने के लिए, या आपके पास कोई आए गले मिले और कहे मुझे आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, आप अपना ये मोबाइल मुझे दे दें। तो आप कहोगे भाई मोहब्बत है तो तू मुझे हदिया दे, मुझसे क्यों मांग रहा है? तो ये अजीब अजीब चीज़ें। तो शौहर के माल में खयानत करना बहुत बड़ा जुर्म है। औरत शौहर के माल की मुहाफिज है। दो तरह से हिफाजत करनी है आपको शौहर के माल की। नंबर एक, चोरी चुकारी नहीं करनी घर में, शौहर की इजाज़त के बगैर सदका खैरात नहीं करना। दूसरा, शौहर से उसकी इस्तेताअत से ज़्यादा खर्चा नहीं कराना। शॉपिंग करके आई, उसने जनाब पैसे दे दिए, ये लो भाई आप, ये जो है ना रिंगिट चल रही है ना यहाँ करेंसी, चलो थोड़ी सी मिसालें यहाँ की भी आनी चाहिए, 500 रुपये उसने पकड़ा दिया जी, ठीक है जी आप खरीदारी कर लें जो करना है आपने। वापसी पे आके आपने डबल बिल बना दिया, ये भी नाजायज़ है, कि ये भी खयानत में आता है। दूसरी बात ये कि उसकी इस्तेताअत से ज़्यादा खर्चा करा दिया आपने। उसने बेचारे ने सखावत का मुजाहरा करके 500 रिंगिट पकड़ाया आपको, और आपने जाके जो चीज़ नहीं लेनी थी वो भी लेना शुरू कर दी। ये होता है। हज़रत हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला ने एक उसूल और ज़ाब्ता बयान किया, फरमाया कि बाज़ार जाने से पहले जो चीज़ें जहन में होती हैं वो ज़रूरत की होती हैं, बाज़ार जाने के बाद जिन चीज़ों का ख्याल आए वो ख्वाहिशात नफसानिया है, वो ज़रूरत नहीं है, वो इसराफ़ है, तबज़ीर है। तो घर में आपको जो चीज़ जहन में है ना कि ये ख़रीदनी है, वो ख़रीद के वापस आ जाए फ़ौरन। वहाँ जाके जो ख्याल आना ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, क्योंकि बाज़ार में तो एक दुनिया है, इतनी चीज़ें बाज़ार में आपको मिलेंगी और वो इतनी अट्रैक्शन की चीज़ें, और वो भी कस्टमर को खींच रहे होते हैं। हाँ बाजी आप इधर आएँ, हाँ जी सूफ़ी साहब, हाँ मौली साहब, हाँ डॉक्टर साहब, वो इस तरह कर रहे होते हैं। तो अपने ज़ाती पैसे तो हैं नहीं, तो वो जाके शौहर के माल को ऐसा उड़ाया ऐसा उड़ाया। फिर वो जनाब जब शाम को घर आता है, उसको पता चलता है कि मेरी दौलत का तो सारा दिवालिया निकल रहा है, मैं कमा कमा के पागल हो रहा हूँ और ये इस तरह खर्च हो रहा है। तो वो फिर कहता है बेगम ज़रा हाथ हल्का रखो, फिर आगे से उसको ताने सुनने को मिलते हैं। तो ये लड़ाई झगड़े ये सारे फसादात। तो औरत शोहर के माल की मुहाफिज बने। ऐसी ख़वातीन भी हैं जो बचा बचा के खर्च करती हैं, तो बचा बचा के खर्च करती हैं कि भाई जो काम 500 में हो सकता है उसके लिए हम 1000 क्यों खर्च करें? उनको पता होती है शोहर के पैसे हैं, वो बेचारा कमा कमा के भेज रहा है, वो खानसामा बना हुआ है, यानी इतना अधमुआ कर दिया उसको कमा कमा के, उससे कमवा के अधुआ कर दिया उसको। तो अब हमें भी, हमारी भी जिम्मेदारी है। तो औरत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने शोहर का माल ज़्यादा खर्च ना कराए। शोहर को अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम दिल खोल के खर्च करो, जितना खिलाओगे सवाब पे सवाब मिलेगा। सबसे बेहतरीन सदका ये है कि तुम अपनी बीवी को खिलाओ, इतना अल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि तुम फयाजी का मामला करो। लेकिन औरत को हुक्म दिया कि तुम नहीं खर्चा करने दो, मामला उल्टा हो रहा है। मर्द अपना हाथ खींच रहा है, दोस्तों पे उड़ाएगा, बीवी बच्चों पे नहीं उड़ाएगा, और औरत उसकी जेबें नचोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। तो झगड़े होते हैं, तलाक़ें होती हैं। तो इसलिए ख्वातीन की जिम्मेदारी है कि अपने शौहर के माल की हिफाजत करें।